क्या लग रहा है? लग यही रहा है कि कुछ तो होगा, कुछ होगा, खेला होगा। अच्छा, महंगाई की क्या हालत है? महंगाई तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, तेल वेल आप उन भक्तों से पूछिए महंगाई का हाल। हाँ। वो कहेंगे मैं तो 200 रुपया पेट्रोल भरा लूंगा, घर में नहीं खाने, अम्मा चली बुनाने। विकास पैदा हुआ था वो कानपुर में मार दिया गया। अच्छा, दूसरा विकास नहीं पैदा, नाम ना बदल दिया जाए तो मैं मुझे मुड़ा के घूमूंगा भाई। अगर सच बोलेंगे तो आप मेरे से माइक हटा के उधर लगा देंगे। आप मेरे पीछे की तस्वीर देखकर समझ ही गए होंगे मैं कहां पर मौजूद हूं। लखनऊ उस जगह के नाम है जिसकी तहजीब की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। यहां पर अगर लोग किसी को गाली भी देते हैं तो तहजीब से देते हैं। तहजीब की बात करूं तो लखनऊ में मौजूद हूं। चुनावी यात्रा चल रही है, चुनावी यात्रा में लगातार आपको कानपुर हो, उत्तर प्रदेश के कोई बड़ी खबर हो, पूरी अपडेट दे रहा हूं। इसी अपडेट को देने के लिए लखनऊ पहुंचा हूं। अगले 2 दिन बाद लखनऊ में भी चुनाव होने, यानी अगर बात करें चौथे चरण में चुनाव होगा। मेरे इस तरफ की एक तस्वीर देख लीजिए आप, ये वो इमारत सामने मैं आपको दिखा दूं जिस इमारत पर खड़े होकर नवाब लोग जो है चांद देखा करते थे, यानी कि सिर्फ चांद देखने के लिए भी एक महल बनाया जाता था। ये इस तरह की तस्वीर अगर आपको देखनी है पूरी दुनिया में तो सिर्फ आपको लखनऊ में मिलेगी। कुछ लखनऊ की जनता मेरे साथ मौजूद है, ऐतिहासिक जगह पर खड़ा हूँ। क्या चाहती है लखनऊ की जनता, क्या इस बार सरकार को बदलेगी या फिर सरकार की वापसी हो रही है? तक इस एरिया का सवाल है जी, इस एरिया में कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, जो अखिलेश ने विकास कराया था उसको भी मेंटेन नहीं कर सकी है सरकार। अच्छा। सब टूट फूट गया है इलाका, और दूसरा है बेकारी, बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। अच्छा। इससे आवाम जूझ रहे हैं। अच्छा। जिनको काम नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी जैसे कपड़े और जूतों पर GST बढ़ा दिया, ये आम उपभोक्ता की चीज़ें हैं, इससे महंगाई कैसे काबू में आएगी, आ ही नहीं सकती। उन्होंने कैसा ही मारते हैं, गिर रही इमारतें, कोई पब्लिक नहीं देखती, कुछ नहीं देखती सरकार। यहाँ पर जो अखिलेश यहाँ बनवाए वही बना, वो भी टूट के चलता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं हमने इतना काम किया कभी नहीं हुआ है। वो इधर आए नहीं रोड पर अभी तक के, अभी तक रोड पर नहीं किया जा सकता जगह, फिर भी मुख्यमंत्री इधर कोई नहीं आया। दरबार तक अखिलेश के अलावा कोई नहीं आया था इधर। अखिलेश ने सब बनाया, तैयारी कराई है, सब कुछ कराया। अच्छा, हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार? अभी इस बार ये लग रहा है पब्लिक के पास चुनाव किसको लेकर आएगी पब्लिक से। आप लोग किसको चुन रहे हैं? अभी तक नहीं बता सकता, जब इलेक्शन होगा जब उस दिन पता चलेगा। दो दिन बाद इलेक्शन में कुछ तो मूड बनाया होगा। सब अखिलेश का आदमी है, सब बोला अखिलेश के आदमी। हाँ, सब इधर अखिलेश का तो लग रहा है इस बार अखिलेश यादव जीत पाएंगे। हो सकता है, आ सकते हैं। अखिलेश ने विकास किया या अभी भी नवाबों का ही विकास किया हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर नवाबों का, अखिलेश का भी है उसमें। अच्छा, हाँ, कभी आते हैं, मतलब उसमें सहयोग किया है। हाँ, सहयोग किया है। आपने कुछ नहीं किया अभी? उधर ने कुछ नहीं किया था वाला जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा विकास किसका है, नवाबों का है या अखिलेश? नवाबों का यहाँ पे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा नवाबों का। वही रहते हैं आजादी के बाद जो भी नेता आया कोई नहीं उतना विकास इतना नहीं देखा। ये माता गिर रही है, बुर्जियां गिर रही है, कोई नहीं देखता। क्योंकि लखनऊ की पहचान है इमारत। हाँ, टूरिस्ट जितना आता है सब इमारत को देखने आता है। इमाम बाड़ो देख, इमारतें गिरी जा रही है, टपक रही है, कोई नहीं देखता है इसके ऊपर आके। बुर्जियां कितने सालों से गिरी पड़ी है वो कोई नहीं देख रहा है। इमाम बाड़ा का क्या हाल है? इमाम बाड़ा भी देखिए कितना गिरा पड़ा हुआ, बुर्जियां गिर रही है कितना। माफी आपको चल के दिखाएं कितना ताबा माता गिर चुका है, सब कुछ को नहीं देखता इसमें। ना हुकूमत देखती है, ना यहाँ का सनाबा ट्रस्ट देखता है। सब गिर बहुत धरोहर था जो गिर गया, सब गिर गया, सब गिरा, एक गेट गिरा है, ये गिरा, एक बुर्जी गिरी है, कितनी बुर्जियां यहाँ से गिर चुकी है अब तक के, और कोई नहीं गिरा। 50-50 साल इनको मालूम कितने साल पुरानी बुर्जियां गिरी है सब। इनका हमसे ज्यादा इनका देखा बस। यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी सभी ने राज किया, सब राज, लेकिन किसी ने धरोहर को बचाने की कोशिश को नहीं देखा। कुछ दिन पहले कुछ हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और हुसैनाबाद ट्रस्ट आचार्य कदीमा को मिलकर बनाएगा, लेकिन आज तक उस फैसले पर अमल ही नहीं हुआ। लखनऊ या पूरे प्रदेश का हाल इतना बुरा है कि जिसके बारे में व्याख्या करना बहुत ही कठिन है। अच्छा, हम अगर बोलते हैं तो हमारे ऊपर क्या होगा, आप देशद्रोही हो, आतंकवादी, यूरोपीय लग जाएगा सीधा। बोलिए जो वो बोलते हैं वही मैं बोल रहा हूँ। वो ये इंग्लिश में नहीं बताते हैं, वो बोलते हैं तुम देशद्रोही हो, आतंकवादी हो, खालिस्तानी हो। सवाल, मतलब सवाल करना सरकार से जुर्म है, अपराध की श्रेणी में आता है अगर हमने सच बोला तो। अच्छा, इसलिए मुझे सच ना बुलवाइए अन्यथा मुझे जेल भेज दिया जाएगा। यही तो आपका हक है। हक हमसे मीडिया तक के नहीं बोल पा रही है सच, जो मीडिया सच सुनाती है वो भी नहीं बोल पा रही है। आप जैसे पत्रकार आए हैं अगर जो है कुछ पूछ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर हम अगर सच बोलेंगे तो आप मेरे से माइक हटा के उधर लगा देंगे। नहीं, ये आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ। आप जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं समझ गया हूं जी। क्या माहौल है फिर भी, अभी 2 दिन बाद चुनाव होने आपके क्षेत्र में? माहौल तो सही चल रहा है, अब बदलाव की तरफ जा रहा है या कमल की वापसी हो रही है? अब ये जनता से पूछ लिया, मैं नहीं बोलूंगा। माहौल क्या है, कितने लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं? माहौल क्या है? अखिलेश यादव, मैं नहीं बोलता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आप काम बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। जो काम करेगा वो आएगा, वो राज करेगा। राज मतलब ये नहीं कि हमें गुलाम बनाया जाए, राज मतलब हमें सत्ता हमें दी जाए। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर काफी धरोहर है, जो बुजुर्गों की निशानी है, कहीं ना कहीं वो सभी खस्ता हाल में। आप 5 साल और ले आइए। अच्छा। और इस लखनऊ को भी अगर नाम ना बदल दिया जाए तो मैं मुझे मुड़ा के घूमूंगा भाई साहब। अच्छा, कि विकास की ओर बढ़ता हुआ कदम है नाम बदलना? विकास पैदा ही नहीं हो पा रहा है, एक विकास पैदा हुआ था वो कानपुर में मार दिया गया। अच्छा, दूसरा विकास नहीं पैदा हो पा रहा है। अच्छा, 5 साल में कोई विकास पैदा नहीं हुआ, एक हुआ वो मार दिया। कोशिश बड़ी की गई लेकिन
पैदा नहीं हो रहा विकास। क्या चाहते हो मेरी भी गाड़ी पटवा दी जाए? नहीं, कुछ कुछ भाई साहब का वेशभूषा ऐसे लग रहा है जैसे विकास दुबे का था। सही कह रहे हैं। यही यही इसीलिए तो सच बोलना ही अपराध है आज की श्रेणी में। अच्छा, महंगाई की क्या हालत है? महंगाई तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, आप उन भक्तों से पूछिए महंगाई का हाल। वो कहेंगे मैं तो 200 रुपये पेट्रोल भरा लूंगा, घर में नहीं खाने, अम्मा चली बुनाने। अभी 3 दिन पहले मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, उसने मुझसे कहा अगर 1000 रुपये पेट्रोल भी होगा तब भी मैं बीजेपी को वोट दूंगा। बिल्कुल, ये भाई साहब कच्चे में भी नहीं रहेंगे फिर भी वोट उन्हीं को देंगे। क्यों? क्योंकि उनके ये बे औलादों की सरकार है और जिनके औलाद नहीं है वो बच्चों का दर्द नहीं समझते। रोजगार के भी बारे में कुछ बोली। हाँ, ये मुद्दा आपने बताया रोजगार में, तो देखिए है ना कि यहाँ जितने भी हैं हर श्रेणी के व्यक्ति हैं, रोजगार का ये हाल है कि अगर आपने रोजगार मांगा तो इसका मतलब आप कामचोर हो, आप काम नहीं करना चाहते। पकौड़ा तलना भी रोजगार की श्रेणी में आता है। आप तक कितने रोजगार दिए अभी? आप 4.5 लाख रोजगार दिए आपके उत्तर प्रदेश। ये कागजों में ना इसी से पूछ लीजिए कोई आज की, उसमें जो है अगर पाया हो नौकरी, नौकरी का मतलब कि कहीं हमको जो है एक बंदी तनख्वाह मिलती है उसे नौकरी कहते हैं, रोजमर्रा को रोजगार नहीं कहते। और भी कहा कि भाई एक बढ़ता हुआ कदम जो है वो बदलाव की तरफ है। ये तो आप देख ही रहे हैं, अगर बदलाव ना होता, अगर सरकार ने काम किया होता तो मुझे बदलने की क्या जरूरत है? अगर मेरा परिवार बदलेगा तो मुखिया को बदलने की मुझे क्या जरूरत है? तो अभी कहा तो है, अभी अमित शाह ने एक बयान देते हुए परसों कहा, अमित शाह तो कह रहे 12वीं के बाद जो है इंटर करवा देंगे, इंटर करवाने वाले लैपटॉप मिल जाएगा। अगर आपको अनुभव नहीं है तो आप तो ऐसे बयानबाजी करेंगे? योगी जी ने परसों बयान दिया, उन्होंने कहा कि कठमुल्ला एक लफ्ज उन्होंने भी इस्तेमाल किया। देखिए ये लखनऊ हिंदू मुस्लिम तहजीब का वो है, अगर आपने इसको बांटा, ये हमारे दो हाथ हैं, अगर एक हाथ को काटेंगे तो आप विकलांग की श्रेणी में आएंगे, जिसको आज आप नाम बदलते हैं विकलांग से दिव्यांग कर दिया है खाली, और कुछ नहीं किया है। तो क्या लग रहा है? लग यही रहा है कि कुछ तो होगा, कुछ होगा, खेला होगा, वही तो जानना। अच्छा, खेला होगा मतलब अब बंगाल में खेला करने वाला यूपी में खेला करेंगे? मुझे यूपी में खेला हो गए, ममता जी आ गई थी, उन्होंने बोला है, और अगर उनसे सहमत होंगे तो पब्लिक कुछ ना कुछ रुझान देगी। यूपी के लोग तो बोलते खदेड़ा होगा। मैं गलत भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि मैं सभ्य आदमी हूँ, वो बोलते हैं बोलने दीजिए, खदेड़ा नहीं होगा। यहाँ से एक ऐसी पार्टी का चुनाव किया जाएगा जो बेरोजगारों का, जो हिंदू मुस्लिम को बांटने का ना काम करे, जो किसी बेरोजगार को भुखमरी के कगार पे ना लाए। आज ये पब्लिक भूल रही है, यही कोरोना काल में आदमी 1400 किलोमीटर से पैदल चलना शुरू कर दिया था, है ना, उनके भी उन्होंने भी चला जिनकी माँ के पेट में। बात ये बताइए कि आपके धरोहर की रक्षा कौन कर सकता है? अभी अभी तक तो देखिए जो भी इसमें पुनरीक्षण का कार्य हुआ है, जो वो जो है हमारे अखिलेश जी ने सरकार में हुआ है, सपा सरकार में हुआ है, जो भी यहाँ सौंदर्यीकरण, उसके बाद तो हमें नहीं लगता किसी ने एक ईंट भी इसमें की। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी कुछ इसका कुछ कर सकती है? मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं पार्टी का समर्थन नहीं। अखिलेश यादव का बोलेंगे? अखिलेश यादव का काम बोलता, मैं नहीं बोलूंगा, मैंने काम नहीं किया। योगी जी भी तो बोलते हैं फर्क साफ है, देख लो, साफ तो है, उन्होंने तो अपना घर भी जो गाय के मूत्र से जो साफ कराया, जिसको शुद्ध माना उन्होंने। टीम बीजेपी ने सपनों में नहीं सोचा होगा यूपी को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अच्छा, सपनों में नहीं सोचा होगा। 2000 रुपए देते रहिए, 2000 रुपए में कितने घर का राशन चल जाता है? मेरी मम्मी की दवा खाली 1000 हफ्ते की आती है, मेरी मम्मी की दवा 1000 रुपए हफ्ते की आती है। अच्छा, तो क्या 2000 रुपए में हम राशन चला लेंगे? राशन खाने से हिंदू मुस्लिम का एकता खत्म हो चुका है। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का जो एकता था वो खत्म कर दिया था। क्यों? बीजेपी की रणनीति थी कि हिंदू मुस्लिम को लड़वा दो, मुस्लिम वोट अलग हो जाएगा। हिंदू रणनीति आप लोग बढ़ जाइए। हम लोग क्यों बढ़ जाए? अच्छा। क्योंकि हिंदुस्तान को आजाद कराने में जितना हक हिंदू का है उतना ही हक मुसलमान का भी है। योगी जी का ट्विटर हैंडल देखा? नहीं देखा, देख लीजिए। देखिए, मैं बाबा जी की कोई ढोंगी झूठी बातें ही नहीं देखता हूँ। यहाँ पे जितने भी युवा है सब हाथ उठाए कहते हैं अखिलेश जी के साथ समर्थक में कौन कौन है, हाथ उठाए भाई, हाथ उठाए अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये लखनऊ की सरजमीन से तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर अखिलेश यादव को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं लोग जी। और अखिलेश जी ने 300 यूनिट बिजली देने का कार्य नहीं कहा है, बल्कि मेवाओं को यतीमों को पेंशन देने का भी कार्य करने के लिए कहा है। योगी जी ने कोरोना काल में क्या करा? योगी जी ने कोरोना काल में कुछ नहीं करा, सिर्फ गरीबों को भूखा मारा है और अमीरों को लाइन में लगवाया है। अच्छा, बदलाव होगा, बस ये है कि हमारा नाम कहीं जो है विकास दुबे में शामिल ना हो जाए। अच्छा, इंटर के बाद 12वीं वाला एक ऑफर, जो जितना पढ़ा होगा उतना ही बोल पाएगा, जिसको मालूम ही नहीं है नेता किसी का कुछ नहीं है। अमित शाह चोर, योगी चोर, मोदी चोर, अखिलेश चोर, मैं तो वोट चोरों की लिस्ट है, ओनली नेता चोर। मैं कुत्ते के साथ फोटो खिंचाना समझता हूँ, मैं कुत्ते के साथ सेल्फी खिंचा के फेसबुक पर डाल दूंगा, मैं किसी नेता के साथ फोटो नहीं खिंचाता। बिकॉज हर नेता इस चोर, चाहे अखिलेश हो, समाजवादी पार्टी का कोई नेता हो, वोट नहीं करता हूँ मैं, करता हूँ नोटा। अच्छा, नोटा यो सभासद का होता है वो भी नोटा, राजभवन वाला तेरे गुस्से में ऐसा जा करके ऐसा नहीं, ईवीएम को ही तोड़ दीजिए। मैं तोड़ डालूंगा क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं दुनिया देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है दुनिया में।
जब से समाजवादी पार्टी गई है, जो कोई पार्टी आई है, किसी गरीब का कुछ नहीं होता है। मैं सुबह 10 बजे जाकर ड्यूटी करता हूँ। आपके नफरत का मुख्य कारण क्या है वो बता। नफरत का मुख्य कारण यह है समाज में फैली हुई अराजकता जो इन सभी नेताओं ने मिलकर फैला रखी है। सुन्नी को सिया से लड़वाना, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाना, पंडित को मुसलमान से लड़वाना। मैं भी फेसबुक पर पंडित मुसलमान कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। क्या चाहिए योगी जी से ये बताइए। जी उसको हटाना है, उसको हटाना है, हटाना है। मतलब इतना परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। उसको मांग लीजिएगा, नहीं कुछ नहीं मांगेंगे हम। उसे हाथ जोड़ कर आप हटिए कुर्सी। अच्छा, हाथ जोड़ के निकलो। हम लोग जिताना चाह रहे हैं जिसको, वो जीतेगा जरूर। कौन जिता रहे हैं? साइकिल।